जानते हैं, दो टॉप टीपीसी के उग्रवादी हरेंद्र गंजू और ईश्वरी गंजू, इन दोनों को मार गिराया हमारी जानबाज और बहादुर टीम ने। इसके लीडरशिप डीएसपी हमारे संदीप कर रहे थे, साथ में थाना प्रभारी चित्रा और थाना प्रभारी सिमरिया, सर्कल इंस्पेक्टर सिमरिया, ये लोग थे साथ में। उसमें एक AK-47 राइफल, एक देसी कट्टा, एक मोटरसाइकिल और बहुत सारा गोली इत्यादि बरामद हुई है। और ये व्यक्ति जो है, इस पर तो लगभग 48 मामले हैं और इसका लंबा उग्रवादी, हम उग्रवादी नहीं बोले, लंबा अपराधिक इतिहास रहा है। तो ये अपराधी हैं बेसिकली। इन लोगों का काम है परेशान करना, लोगों को टॉर्चर करना, गाड़ियों को जलाना, व्यवस्था को डिस्टर्ब करना, लॉ एंड ऑर्डर समस्या पैदा करना, वसूली करना, एक्सटॉर्शन करना, क्रिमिनल जाइए। तो ये दो अपराधी मारे गए हैं। चतरा की धरती पे कुछ बोझ कम हुआ है अपराधियों का, हमें बहुत खुशी है। जो भी अधिकारी इसमें इन्वॉल्व है सबको हम लोग बढ़िया से रिवॉर्ड करते हैं। बदला शब्द हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। अपराधी के विरुद्ध में अपेक्षित कार्रवाई की गई और अपराधी जिसने पुलिस पर गोली चलाने का दुस्साहस किया वो मुठभेड़ में मारा गया। क्या संदेश देंगे सर? नक्सली कहाँ बचे हैं झारखंड में? सिर्फ एक चाईबासा जिला में एक छोटा सा एरिया, बाकी सब अपराधी है। ये नक्सली मत बोलिए, इनको नक्सली बोल करके इनको एक इज्जत देने का प्रयास किया जाता है कभी कभी। ये शुद्ध अपराधी है, क्रिमिनल्स, अपराधिक संगठन, TSPC, JGMP, TPC, सब वही है। और सभी ये सभी के सभी अपने, और सभी ने इतने बड़े बड़े मकान बना रखे हैं, इतने बड़े बड़े घर बना रखे हैं, गाड़ियां खरीद रखी हैं, कहाँ से आया पैसा? जो आदमी ना कभी खेती करता है, ना कोई व्यवसाय करता है, ना कोई काम करता है, वो तो 3 मंजिला 4 मंजिला घर कैसे बना रहा है? क्योंकि चतरा में एक बहुत बड़ी कोयले की खदान है, यहाँ पर बहुत सारी भारी कंपनियां के काम करती हैं, यहाँ पे बहुत सारे ट्रक का प्रचलन होता है, उनसे वसूली करते हैं, उनकी गाड़ियां जलाते हैं, उनको परेशान करते हैं, ये तो काम है। सफेद पोश नहीं है, ये तो अपराधी है। तो शुद्ध हथियार लेके घूमने वाले को सफेद पोश थोड़े कहा जाए, ये तो प्योर क्रिमिनल है। अपराधियों को क्या संदेश देना चाहिए? तो मुझे लगता है कि कहते ना कि एक्शन स्पीक मोर देन द वर्ड, बंदे की जो कार्रवाई है वो उसके शब्दों से अधिक बात बोलती है। तो हमारे जो कार्रवाई है, हमारी चतरा पुलिस की जो कार्रवाई है, वो अपने में एक संवाद है, अपने में एक मैसेज है। आपके सामने बात हुई है कि व्यवसायिक संघ से व्यवसायिक संगठन, ट्रांसपोर्ट संगठन यहाँ तो ऐसे नहीं है, अदरवाइज होटल ओनर एसोसिएशन, ड्रग्स डीलर एसोसिएशन, ऑटो चालक एसोसिएशन, हम सब से मिलने का प्रयास करते हैं, शहर का नब्ज जानने का, जिला का एक नब्ज जानने का प्रयास करते हैं। क्योंकि मेरे लिए एक लंबे समय तक जिला में रहना संभव नहीं है, तो हम कोशिश करते हैं कि चंद घंटों में, चंद मिनटों में हम जानने का प्रयास करते हैं। मैं ये तो मैं नहीं जानता कब तक होगा, लेकिन शुरुआत आज से शुरू हो गई है, मैं ये कह सकता हूँ। और ब्राउन शुगर पर और अफीम पर और इनके बनाने वालों पर और इनके सहयोगियों पर, चाहे वो वर्दी के अंदर हो चाहे वर्दी के बाहर हो, हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि इनके के कांडों के अनुसंधान में जो बैकवर्ड लिंकेज नहीं हो रही है, ये अफीम कहाँ से आ रही है? अफीम की खेती, अफीम की ब्राउन शुगर का बिक्री एक ऑर्गेनाइज क्राइम है। ऑर्गेनाइज क्राइम का मतलब है कि इसमें चेन एक बनी हुई है। तो ये हम चाहते हैं कि हमारे SP साहब, हमारे थानेदार, हमारे DSP इस चेन को एक सिरे से पकड़ कर आखिर ले, ये हमारा प्रयास है। और इसकी मॉनिटरिंग DIG और SP हमारे खुद से करेंगे। लेकिन सर नेटवर्क तक नहीं पहुंचा सर, अब पहुंचेंगे सर। ज्यादा तो अंतिम वन विभाग के क्षेत्र में लगता है सर, वन विभाग पर क्या करवाएंगे? वन विभाग चतरा जिला में ही ना है भाई, कोई वन विभाग पे के क्षेत्र में हम वन विभाग के ऊपर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। मैं सवाल पूछूंगा अपने थानेदार से, मैं सवाल पूछूंगा अपने इंस्पेक्टर और DSP से। जो वन विभाग है वो भी आपके थाना के क्षेत्र में आता है। अगर वन वन के वन के वन का अगर किसी भी क्षेत्र में अफीम की खेती हो रही है तो वहाँ पे आपका चौकीदार बैठा हुआ है, उस चौकीदार को जानकारी है या होनी चाहिए कौन वहाँ पे अफीम की खेती कर रहा है, क्यों कर रहा है, कितनी कर रहा है। और उन लोगों को पकड़ के सीधा सलाखों के पीछे पहुँचाना हमारा लोकल थानेदार का काम है, फॉरेस्टर का नहीं। हाँ, हो सकता है कि फॉरेस्ट के अफसर को जानकारी हो, लेकिन वो
उसके पास वो हथियार नहीं है, उसके पास वो बल नहीं है, उसके पास वो व्यवस्था नहीं है। हमारे थाने में सब कुछ उपलब्ध है, हमारे पास बल है, हमारे पास हथियार है, हमारे पास कानून है, हमको सरकार ने हर प्रकार की सुविधाएं दे रखी हैं। और यदि इन सुविधाओं के साथ हम अपने अफीम की खेती को रोक नहीं पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें अंदर झांकना चाहिए, ना कि वन विभाग और फलाना विभाग के बारे में चर्चा करना।